जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई विल साउंड नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कि साउंड वेव्स वैक्यूम में से क्यों नहीं गुजर सकते। वी नो दैट कि दीज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, and longitudinal is the type of mechanical waves ji sound waves longitudinal waves ki type hai, theek hai ji, aur longitudinal waves mechanical waves ki type hai. To yahan mechanical waves aisi waves hoti hain which depend upon medium, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव रिक्वायर आल्सो मीडियम सच एज एयर है, ठीक है जी, टू ट्रेवल थ्रू देम, ठीक है जी। तो लिहाजा इन वैक्यूम देयर इज नो एयर, वैक्यूम में इन वैक्यूम देयर विल बी नो एयर, सो साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वायर स्पीड ऑफ साउंड इन लेड is less than of copper. अगर स्पीड ऑफ साउंड लेड में से गुजरे और कॉपर में से गुजरे तो लिहाजा इसकी स्पीड लेड में कम हो जाती है, कॉपर में इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है जी। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस चीज पर जाती है। स्पीड ऑफ साउंड ही इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। ई से मुराद इलास्टिक मॉडुलस है, वेयर E is called elastic modulus and this will called density, density of medium, ठीक है, जिसमें से sound waves जो है वो गुजरती है। अब देखिए यहां पर दो चीजें इस्तेमाल हैं, एक lead है और एक copper है। तो अगर हम देखें इसको lead के हवाले से तो lead की जो density है वो कॉपर के मुकाबले में क्या है, ज्यादा, तकरीबन 11,360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये है लेड की डेंसिटी। और इसी तरह से अगर कॉपर की डेंसिटी देखें, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर होती है 8,960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए कॉपर की डेंसिटी कम है, लेड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, तो लिहाजा ये जो है यंग मॉडुलस जो है इसको हम यंग मॉडुलस का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का जो डिवीजन है, ये जो रेशियो है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ये यंग मॉडुलस, ई आल्सो कॉल्ड यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस कॉपर की जो है वो ज्यादा होगी बनिस्बत यंग मॉडुलस ऑफ लेड। तो लिहाजा ये जो हमारे पास रेशियो है E ओवर रो, अगर हम इसमें ये वैल्यूज दर्ज कर दें, ये यंग मॉडुलस, ठीक है, और ये हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यूज मैंने दे दी है, ठीक है जी। तो देखें जिसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है जी, उसकी वैल्यू कुछ बढ़ती जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे कॉपर की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, डेंसिटी में, तो ये जो है ये जो क्वांटिटी है ई ओवर डेंसिटी ये ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है किसके लिए, कॉपर के लिए। दिस विल बी ग्रेटर फॉर कॉपर और दिस ई ओवर डेंसिटी विल लेस देन ऑफ लेड, लेड के लिए ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बेस पर, इसी बेस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेड में लेस होती है तो लिहाजा कॉपर में ज्यादा होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, अगर हम देखें इसको कि स्पीड ऑफ साउंड बीसी, ठीक है, ये कॉपर के लिए और वीएल यानी लेड के लिए स्पीड, ठीक है जी। अब कॉपर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है तकरीबन 4600 मीटर पर सेकेंड, ये होगी तकरीबन 1210 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि कॉपर में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है
और लैटरल स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू कम होती है। ये जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ रहा है एक्सप्लेन हाउ आर स्ट्रिंग जी एक्सप्लेन हाउ आ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बी ट्यून्ड। ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है सच एज वायलिन है सच एज पियानो है इसमें एक खास किस्म की जब साउंड म्यूजिक साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए जो तरीके का को जो मेथड को अपनाया जाता है वो उसको डिस्कस किया गया यहाँ कि हम एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से ट्यून करते हैं। ट्यून का मतलब है एक बेहतर साउंड प्रोड्यूस की जा सके जी। तो आप देखें इसमें हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ बीट्स का इसमें अमल दखल है तो नंबर ऑफ जो बीट्स होती हैं एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ बीट्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो ड्यू टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी है जी। एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू दिस एल इज कॉल्ड नंबर ऑफ बीट। नंबर ऑफ बीट विल इक्वल टू डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं ट्यून इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पियानो है वायलिन है तो इस पर्पस के लिए हम दो चीज काम करेंगे। नंबर वन के स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा और दूसरा हमारे एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा ठीक है और दूसरा हमारे पास एक अनट्यून इंस्ट्रूमेंट होगा। इन दोनों को इकट्ठे साउंड किया जाएगा बजाया जाएगा म्यूजिकल में। नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड will give the difference in the frequencies of the two instruments. The string of the faulty instrument, जो faulty instrument है उसके strings को हम adjust कर लेते हैं ठीक है जी। किस तरह से adjust करेंगे? अपनी desired frequency के मुताबिक। जितना आप string instrument को tight करते जाएंगे strings को उतनी उसमें frequency ज्यादा produce होती है जी। तो डिजायर फ्रीक्वेंसी तक उसको लाने के लिए उसको टाइट या लूज करना पड़ता है ठीक है। तो लिहाजा इस तरह से नो बीट कैन बी हर्ड ठीक है और इस तरह से बीट्स जो है वो यूजफुल होती हैं टू अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए ठीक है जी। क्लियर जी? ये हमारा था जी आज के शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से ये जो तीन शॉर्ट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।